हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 में माई कंप्यूटर दिस पीसी का आइकन किस तरीके से डेस्कटॉप पे शो किया जाए। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम विंडोज 7 में करके दिखाते हैं। हम इसी सिस्टम में विंडोज 7, 8 और 10 इंस्टॉल किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वर्चुअल मशीन हमने इंस्टॉल किया हुआ है, इसी के अंदर विंडोज 7, 8 इंस्टॉल किया हुआ है। इसको खोलेंगे और इसी में सेटिंग करके दिखाते हैं। तो वर्चुअल मशीन को ऑन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोनों विंडोज़ का पावर ऑन कर लेते हैं जिससे खुल जाए। जब तक ये खुल रहा है तब तक हम विंडोज 8 को भी ओपन कर लेते हैं। टाइम लगेगा थोड़ा खुलने में, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। दोस्तों, वर्चुअल मशीन के माध्यम से आप एक साथ कई विंडोज़ रन करा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि दो ही विंडोज़ आप चला सकते हैं, आप 10 विंडोज़ भी चला सकते हैं, इसमें 4 विंडोज़ भी चला सकते हैं। आप जितनी मर्जी उतने सिस्टम उतने विंडोज़ चला सकते हैं। विंडोज 7 लगभग ओपन हो गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जिस तरीके से आप किसी सिस्टम या लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से इस स्क्रीन में भी शो कर रहा है। इस वर्चुअल मशीन में भी वही सेम इंटरफेस शो कर रहा है। अंतर थोड़ा सा है, वर्चुअल मशीन का यहाँ पे टैब शो कर रहा है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। मशीन के अंदर ये सब इंस्टॉल हुआ है। अब विंडोज 7 में यहाँ पे शो कर रहा है माई कंप्यूटर, यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है। हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट बटन प्रेस करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से डिलीट हो गया। अब वन बाय वन हम यहाँ पे आइकन प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो हमें आइकन चाहिए वो, जैसे मान लेते हैं माई कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर शो हो रहा है। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे शो कर रहा है शो ऑन डेस्कटॉप। शो ऑन डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। मान लेते हैं हमें डॉक्यूमेंट्स वाला आइकन शो कराना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स पे सेंड टू पे क्लिक करेंगे, सेंड टू और क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट हो गया है। कंट्रोल पैनल को डेस्कटॉप पे रखना है तो राइट क्लिक करते हैं शो ऑन डेस्कटॉप। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल पैनल यहाँ पे आ गया है। यूज़र का आइकन यहाँ पे डेस्कटॉप पे अगर शो कराना है तो यूज़र का भी आप शो करा सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं और शो ऑन डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से सारे आइकन यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे हैं वन बाय वन। आप इस तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, कोई आप फोल्डर बनाए हैं, कोई भी फोल्डर है आपके सिस्टम के अंदर, उसको डेस्कटॉप पे रखना है तो कैसे रखेंगे? मान लेते हैं ड्राइव खोल लेते हैं, माई कंप्यूटर ओपन कर लिया। इसके अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं, आईटी मित्र ऑफिशियल के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर को हमें डेस्कटॉप पे रखना है तो किस तरीके से रखेंगे? राइट क्लिक करते हैं और सेंड टू पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करते ही यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों, इसका बेनिफिट्स क्या है? जैसे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो आप उस फोल्डर में जा सकते हैं, उस फोल्डर को खोल सकते हैं जहाँ पे ये क्रिएट हुआ है। कोई भी फाइल रखेंगे तो सीधा जिस ड्राइव में ये फोल्डर बना है वहाँ पे डाटा स्टोर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट विंडोज़ 8 में कैसे प्रदर्शित करें, डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर और कंट्रोल पैनल का आइकन कैसे प्रदर्शित करना है, देख लेते हैं। विंडोज़ 8 ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। स्टार्ट बटन इस तरीके से शो होगा, विंडोज 8 का इंटरफेस आप देख सकते हैं। हमने स्टार्ट बटन पे हमने प्रेस किया तो इस तरीके का इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे सारे ऐप्स दिख रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है इस तरीके से दिख रहे हैं। डेस्कटॉप पे जाते हैं, इसके बाद हम राइट कॉर्नर पे ऐसे माउस पॉइंटर ले जाते हैं, सेटिंग पे क्लिक करते हैं,
सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे ऊपर साइड में यहाँ पे शो कर रहा है चेंज डेस्कटॉप आइकन। हो सकता है अलग अलग विंडोज़ 8 के वर्जन में अलग अलग जगह पे ये प्रदर्शित हो, हो सकता है राइट में शो हो, यहाँ पे तो लेफ्ट में शो कर रहा है। चेंज डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसाइकिल बिन ऑलरेडी यहाँ पे है, रिसाइकिल बिन का आइकन यहाँ पे शो कर रहा है, डेस्कटॉप पे ऑलरेडी है। और हमें माई कंप्यूटर कंप्यूटर करना है, यूज़र्स फाइल करना है और नेटवर्क कंट्रोल पैनल जितने भी करने हैं चेक कर देते हैं, चेक बॉक्स पे चेक कर देते हैं। चेक करने से एक्टिवेट हो जाएगा और अप्लाई करके ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे ये आइकन्स प्रदर्शित कर रहे हैं। दोस्तों वर्चुअल मशीन को हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब विंडोज़ 7, 8 में देख लिए, अब विंडोज़ 10 में आ जाते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर मिनिमाइज़ हो गया। अब आप देख सकते हैं डेस्कटॉप विंडोज़ 10 हमने खोल लिया है, यहाँ पे ऑलरेडी है दिस पीसी, इसको हम डिलीट कर देते हैं जिससे पता चले कि हम अलग कर रहे हैं। इसका बैकग्राउंड प्लेन कर देते हैं जिससे सही दिखे। पर्सनलाइज पे क्लिक किया हमने, प्लेन बैकग्राउंड यहाँ से ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, प्लेन बैकग्राउंड ये ले लेते हैं। दोस्तों आप सही दिख रहा होगा। तो हमें आइकन कैसे सेट करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का सेटिंग का ऑप्शन शो करेगा, सिस्टम डिवाइस फोन नेटवर्क सेटिंग पर्सनलाइज ऐप। पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करेंगे, इसमें शो कर रहा है पर्सनलाइजेशन बैकग्राउंड लॉक स्क्रीन कलर्स, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थीम पे क्लिक करना पड़ेगा, थीम्स पे क्लिक करते हैं। थीम्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर पे सबसे ऊपर में दिख रहा होगा डेस्कटॉप सेटिंग आइकन सेटिंग, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे शो कर रहा है सेम जैसे विंडोज 8 में शो कर रहा था, सेम ऐसे शो कर रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर पे चेक कर देते हैं, यूजर्स फाइल पे चेक कर देते हैं, रिसाइकिल बिन और कंट्रोल पैनल पे ऑलरेडी चेक है और हम अप्लाई करके ओके कर देते हैं। अप्लाई करके ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर गया दिस पीसी, नेटवर्क का यहाँ पे है शो कर रहा है, कंट्रोल पैनल का भी यहाँ पे आइकन शो कर रहा है और रिसाइकिल बिन ऑलरेडी यहाँ पे है ही। दोस्तों आप दूसरे तरीके से भी शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करते हैं और पर्सनलाइजेशन पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, सेम ऑप्शन खुल जाएगा। आपको सेटिंग स्टार्ट बटन के बाद सेटिंग पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, थीम्स पे जाके डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे क्लिक करने के बाद खुल जाएगा वो ऑप्शन। तो दोस्तों आप इस प्रकार से किसी भी डेस्कटॉप पे, किसी भी विंडोज़ के डेस्कटॉप पे आप आइकन सेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सबसे आसान किस विंडोज़ का सेटिंग लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके।